खंडवा लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन आज चुनाव प्रचार खत्म होने के पहले कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। खरगोन जिले के सनावद में पूर्व सीएम कमलनाथ, राजस्थान के सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर हुकार भरी। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ का कहना था कि मुझे शिवराज सिंह का प्रमाण पत्र नहीं, जनता का प्रमाण पत्र चाहिए। पहले शिवराज सिंह 17 साल का हिसाब दे, फिर मुझसे 15 माह का हिसाब मांगे। इस दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बड़वा विधायक सचिन बिरला पर भी कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि एक बिक गया लेकिन बड़वा कभी नहीं बिकेगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कमलनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी के साथ इनकी सरकार मंत्री थे, 10 साल तक हम लोगों ने काम किया और जब 14 का चुनाव आया 2014 का तो बहुत सारे वादे किए गए। उसमें सबसे प्रमुख वादा जो मोदी साहब ने बीजेपी ने किया 2014 में, आज से 7.5 साल पहले उन्होंने कहा था कि प्रत्येक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। और देखो सहयोग की बात है, आज मंडी में है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई है? आमदनी दुगनी नहीं तो एक बात है, लेकिन इस केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, इस देश के किसान के साथ जो धोखा दिया है, पिछले 1 साल से पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन कर रहा है और ये केंद्र की सरकार आंख और कान बंद कर मजा ले रही है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, केंद्र की सरकार के मंत्री उनके पुत्र पर आरोप करते हैं, जो किसान इन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर गाड़ियों से उनको रोना जाता है, लोग मर जाते हैं, खून सड़कों पर बहता है और अहंकार वाली सरकार किसी का सेवा बिल्कुल नहीं है। इस लोकतंत्र में जवाब देते करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? इस लोकतंत्र में अगर आवाम को जीवित रखना है, इस वोट की कीमत को बनाए रखना है, तो सवाल पूछना पड़ेगा नेता कितना बड़ा भी हो लेकिन जनता के सामने सब झुकाना पड़ता है। 22,000 घोषणा कर दी, जहां नदी नहीं है वहां पुल की भी घोषणा कर रहे हैं। बहुत हो गया ये नाटक, बहुत हो गया ये नाटक। आप तो 15 साल का 17 साल का हिसाब दीजिए लोगों को, एक नौजवान उनसे हिसाब मांगो। मैं 15 महीनों का हिसाब देता हूँ। कर्जा माफ हुआ, बिजली 100 रुपए से यूनिट दी, हमने पेंशन बढ़ाया। अब मैं कितनी बातें करूँ कि मुझे शिवराज सिंह का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपसे चाहिए है। और शिवराज जी आप कितना झूठ बोल रहे हैं, आज तो नौजवान के पास रोजगार नहीं, किसान के पास न्याय नहीं और शिवराज जी व्यापार के पास व्यापारी नहीं, व्यापारी के पास व्यापार नहीं और शिवराज जी आप धोती बजा रहे हैं, आप धोती बजा रहे हैं। उपचुनाव आया आप पहुंच गए, तरह तरह की बातें करेंगे। शिवराज जी यहाँ केवल भाषण देने नहीं आए, ये तो तिजोरी खाली करके अपने जेब में कुछ लाए हैं और ये सोचते हैं बड़वा में सब बिका हुआ है। शिवराज जी ये जो सामने बैठे हैं सीधे साधे सरा चौक के, ये बिकाऊ नहीं है, बड़वा में बिकाऊ नहीं है। और मुझे शिवराज सिंह जी मुझे तो दुख होता है कि आप इस नौजवान को देख नहीं सकते, आपकी आंखें नहीं चलती, आप इन किसानों की आवाज नहीं सुन सकते। उनको लोकसभा का मतलब नहीं, यहां उनका ऐसा हो गया उनकी खुशी जाती रहेगी। मुश्किल से तो जुड़ा निकाल के खुशी के द्वारा बैठे,
लेकिन यहाँ पे जनता का आक्रोश है, किसान परेशान है, 36 कांग्रेस कांग्रेस के साथ खड़ी है। तीनों विधानसभा में और लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और कमलनाथ जी को मैं कह रहा था, मैंने कहा मेहनत करो, सब लोग साथ लगे पड़े हैं और उल्टी गिनती चालू हो गई है। सारे 24 महीने में सुनो सारे 24 महीने में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसकी शुरुआत 30 तारीख से करो, इसलिए सब लोग मंच पर बैठे हैं। हम सब चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपसे आग्रह करने आए हैं, कोई कहीं चला जाए लेकिन हमें हमारी पार्टी के साथ खड़ा रहना है। और 36 कौम और किसान नौजवान जब मिलकर कदम बना लेंगे, यहाँ से कांग्रेस को जिताना है तो दुनिया की कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती। जोरदार नारा देना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।